अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक हो गए। आज मैं लेकर आई हूँ हैदराबादी दम बिरयानी। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही ज़बरदस्त, बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं, हैदराबादी दम बिरयानी। इसके लिए मैंने लिया है मटन 1/2 kg, ऐसे मैरिनेट करी हूँ। नमक ऐड किया 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लिया लाल मिर्च पाउडर। होल स्पाइसेस में मैंने डाला है 4 से 5 सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, शाह ज़ीरा, दालचीनी और जायफल, आप इसका पाउडर भी दे सकते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने लिया 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून लिया है लहसुन का पेस्ट और 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट, दही 1.5 कप, धनिया की पत्ती और मिंट लीफ, फ्राइड ओनियन, तो मैंने 4 से 5 ओनियन लिया था और उसे फ्राई कर लिया था। कुछ ओनियन मैंने, फ्राइड ओनियन मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च से तोड़ कर मैंने डाला, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग कम बिश कर सकते हैं आप। ये हैदराबादी दम बिरयानी में स्पाइसेस कम रहते हैं। और मैंने तेल इसमें ऐड किया 2 से 3 टेबल स्पून, जिसमें मैंने ओनियन फ्राई किया था, इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर ले रही हूँ। मटन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, इसे 10 से 15 मिनट के लिए, मैं आप आधा घंटा के लिए भी रेस्ट के लिए रख सकते हैं। मैं इसे कुक कर रही हूँ, तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे कढ़ाई में बनाया था, 30 मिनट के लिए इसे पकाया था, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है तो बहुत आसानी से जल्दी गल जाता है। फ्लेम को मैंने लो रखा था। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया था, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, उसमें गोश्त अच्छी तरह से गल गया था। कुकर में आप बनाइएगा तो 2 सीटी में गोश्त अच्छी तरह से गल जाता है। तो लीड को कवर कर दिया मैंने और इसे लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए कुक किया था। अब मैं चावल बना ले रही हूँ, तो चावल के लिए मैंने पानी लिया है और इसमें ढेर सारा नमक डाला है और कुछ स्पाइसेस, इलायची, लौंग, दालचीनी और शाह ज़ीरा, हरी मिर्च, कुकिंग ऑयल डाला है इसमें मैंने, जिसमें मैंने ओनियन फ्राई किया था उसी को डाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। पानी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, सारे खड़े मसाले को मैं निकाल लूँगी। तो मैंने निकाल लिया सारे खड़े मसाले। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल को 80% कुक करना है। गोश्त भी अच्छी तरह से देखिए गल गया है और इसमें पानी मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया था। थोड़ा सा इसको भून लेना है, थोड़ा सा मैं भून लूँगी और चावल भी। अब मैं चावल ऐड कर रही हूँ, गरम पानी, ढक्कन में लगा दिया है।
लीड पर इस तरह से मैंने लगाया है और इसे अच्छी तरह से दाबते हुए लगा दिया है। फ्लेम को मैंने 5 मिनट के लिए हाई रखा था, उसके बाद लो कर दिया था 10 मिनट के लिए। तो देखिए, दम बिरयानी, हैदराबादी दम बिरयानी तैयार है। व्यूअर्स, आपको हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही ज़बरदस्त दम बिरयानी, हैदराबादी दम बिरयानी तैयार है। मटन बिरयानी है ये, तो आप ज़रूर इसे बनाएं और आप ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से बनाते हैं। मैं इसे गार्निश कर रही हूँ फ्राइड ओनियन, मिंट लीफ से और हरी मिर्च से। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।